चलिए आज देखेंगे हम कुछ इम्पोर्टेंट जनरल नॉलेज जो एसएससी एमटीएस के एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं उससे पहले कहना चाहूँगा, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे में जाके लाल बटन को दबा करके मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? यह हो जाएगा कपास। कपास। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? आरावली पर्वतमाला। आरावली पर्वतमाला। देखते हैं अगला क्वेश्चन। धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत पानी है? फिर से सुने, धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत पानी है? ये हो जाएगा 71%। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? यह जगह बांग्लादेश। बांग्लादेश। देखने अगला क्वेश्चन। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? यह हो जाएगा बृहस्पति। बृहस्पति। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कोसी योजना आयोग का गठन कब हुआ? कोसी योजना आयोग का गठन कब हुआ? यह हुआ 1950 ईस्वी। 1950 ईस्वी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। देखते हैं अगला क्वेश्चन। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? यह हुआ 1952 ईस्वी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ हुई यह 1951 ईस्वी नई दिल्ली। 1951 ईस्वी नई दिल्ली। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल लाइक मी को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा।